नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं माधव शर्मा खुद जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 7 अगस्त 2021 के पंचांग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 7 अगस्त 2021 वार शनिवार के पंचांग को शुरू करते हैं। वार शनिवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह श्रावण माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी तिथि जो कि शाम 7:11 तक रहेगी, उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र जो कि सुबह 8:15 तक रहने वाला है, उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। योग सिद्धि योग, सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग माना गया है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए इस योग में किया गया कार्य अत्यंत शुभ होता है। करण विष्टिकरण जो कि सुबह 6:54 तक रहेगा, उसके बाद शकुनीकरण स्टार्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 5:50, सूर्यास्त शाम 7:03। सूर्यदेव कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय सुबह 4:12। अगर बात करें हम चंद्रास की तो शाम 6:35 पर चंद्रास होंगे। चंद्र राशि की हम बात करें तो चंद्रदेव स्वयं की राशि यानी स्वय राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। आइए बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, अपने इष्ट देव की आराधना, मंत्र जाप और स्वयं सिद्धि के लिए यह मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहने वाला है। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो दोपहर 12:00 से लेकर 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त में हम अपने कोई भी शुभ कार्य को शुरू कर सकते हैं। आज आनंदिक योग छत्र योग भी रहने वाला है। आइए बात करते हैं दिन के पंचांग की। शुरुआत करते हैं सूर्योदय से। सबसे पहले काल का चौघड़िया 5:50 से और 7:29 तक काल का चौघड़िया रहने वाला है। काल का चौघड़िया अशुभ समय, अशुभ चौघड़िया माना गया है। काल के बाद शुभ 7:29 से और 9:08 तक रहेगा। शुभ का चौकड़िया अच्छा समय है। शुभ के बाद रोग 9:08 से और 10:47 तक रहेगा। रोग का चौकड़िया अशुभ चौकड़िया माना गया है। कोई भी शुभ कार्य इस रोग के चौकड़िया में शुरू नहीं करना चाहिए। रोग के बाद उद्वेग, यह भी अशुभ समय है। उद्वेग का समय 10:47 से 12:26 तक रहेगा। उद्वेग के बाद बात करते हैं चर के चौकड़िया की, क्योंकि 12:26 से दोपहर 2:06 तक रहेगा। यह चौघड़िया सामान्य समय माना गया है। चल के बाद बात करते हैं लाभ का चौघड़िया 2:06 से 3:45। लाभ का चौघड़िया अत्यंत शुभ है और एक अच्छा चौघड़िया माना गया है। लाभ के बाद अमृत, इसे भी अत्यंत शुभ समय माना गया है। अमृत का चौघड़िया 3:45 से और शाम 5:24 तक रहेगा। अमृत के बाद काल 5:24 से शाम 7:03 तक रहने वाला है। काल का चौघड़िया अशुभ समय माना गया है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए हमें उसे शुभ चौघड़िया में शुरू करना चाहिए। शुभ, लाभ और अमृत, ये तीनों चौघड़िये अत्यंत शुभ माने गए हैं। रोग, काल और उद्वेग, इन्हें अशुभ चौघड़िये की संज्ञा दी गई है। आइए बात करते हैं अशुभ समय राहु काल और कुलिक काल की। राहु काल सुबह 9:00 से लेकर 10:30 तक रहेगा। कुलिक काल 5:45 से सुबह 7:25 तक रहने वाला है। राहु काल और कुलिक काल दोनों अत्यंत अशुभ समय माने गए हैं। किसी भी शुभ कार्य के अंदर, किसी भी अच्छे कार्य के अंदर इन दोनों समय को त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। आइए बात करते हैं दिशाशूल, यानी आज कौन से दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है पूर्व दिशा। जातकों को पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर वे यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें यात्रा से पहले दिशाशूल का परिहार अवश्य कर लेना चाहिए, यानी यात्रा से पहले उन्हें उड़द का सेवन अवश्य करना चाहिए। आइए बात करते हैं शुभ राशियों की, यानी चंद्रबल कौन कौन सी राशियां शुभ राशियां रहने वाली हैं। तो आज की शुभ राशि हैं वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। ये सभी राशियां आज शुभ राशियां रहने वाली हैं। बाकी राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है। आइए बात करते हैं आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके जन्म के नामाक्षर, जन्म पाए और जन्म राशि की। चंद्रदेव कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं, तो जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी राशि कर्क राशि रहने वाली है। उनके नामाक्षर रहने वाले ही, हु, हे और हो। अगर जन्म पाए की बात करें तो उनका रजत का पाया रहने वाला है। धन्यवाद।